हाय एवरीवन, माय नेम इज़ प्रज्योत और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं सर्फर्स पैराडाइज इन गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। बेन एंड जेरीज दिखता है तो हम बेन एंड जेरीज से एक शेक उठाते हैं। तो इस स्ट्रीट पर जो आपको लेफ्ट में BWS दिख रहा है ये यहाँ का ठेका होता है। BWS यहाँ का ठेका। अब अगले दिन हम सुबह सुबह पहले जाते हैं स्टारबक्स में कॉफी पीने और यहाँ पर सरप्राइजिंगली स्टारबक्स नॉर्मल कॉफी शॉप से महंगा नहीं होता। अराउंड $5-6 इज द एवरेज प्राइस फॉर अ कॉफी। तो मैं लेता हूँ एक फलाफल वाला कबाब जो काफ़ी टेस्टी होता है। तो ये है सर्फर्स पैराडाइज बीच। अभी बिल्कुल खाली खाली लग रहा है बट पीक सीजन में ये बिल्कुल पीक पे भरा होता है बिकॉज ये मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ऑस्ट्रेलिया की। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आज भी बारिश होती रही थी इस वजह से बीच खाली होता है। और ये चोट मैंने एक दिन पहले अपने हॉस्टल के पूल में गिर के लगवाई थी। तो इस जगह की वाइब बहुत ही चिल्ड आउट वाइब थी, सिमिलर टू बॉन्डाई विच आई हैव कवर्ड इन प्रीवियस वीडियोस। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं या अगर आप ऑस्ट्रेलिया रहते हैं तो गोल्ड कोस्ट इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। इसी शाम को हमारी फ्लाइट भी होती है बैक टू सिडनी। तो हम पैक करवाते हैं गुजमन वाई गोमेज या GYG के बरीटोज जो वन ऑफ द बेस्ट बरीटोज हैं जो मैंने खाए हैं। तो हम फिर से लेते हैं एक ट्राम जो हमें एक बस स्टेशन तक पहुंचाती है। क्योंकि क्वींसलैंड में आप डेबिट कार्ड से बस में पे नहीं कर सकते और हमने अपना गो कार्ड भी रिटर्न कर दिया होता है तो हम एक सिंगल जर्नी टिकट लेते हैं एक मशीन से और ये बस हमें सीधा एयरपोर्ट लेकर जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली बारिश के कारण हमारी फ्लाइट 1.5 घंटा डिले हो जाती है।
तो वी आर फाइनली बैक होम इन सिडनी और अब हम लेंगे एक बस एंड फिर ट्रेन। एंड सिडनी का एक ट्रैवल हैक है जिससे आप एयरपोर्ट एंट्रेंस फी बचा सकते हैं जो लगभग $20 की होती है, जिस पे मैं एक फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।